आइए पुरानी यादों को ताज़ा करें हम आपको मिलाते हैं इंडिया की फेवरेट भाभी से आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा राशरी के साथ में जब आपने काम किया उन दिनों नहीं मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि वो मेरी राशि की जो फिल्म थी हम आपके हैं कौन वो मेरी पहली हिंदी फिल्म थी और मुझे बिल्कुल उन्होंने स्पॉइल कर दिया क्योंकि उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं किसी और के साथ काम करूँ क्योंकि उनका जो तरीका है काम करने का वो इतना सम्मानजनक है जी, आ, इतना प्यार से वो आ, आ, सिर्फ फिल्म ही नहीं बनाते लेकिन जो भी लोग उनके साथ काम करते हैं उनके साथ जो रिश्ता बनाते हैं आ, उस वजह से ऐसा लगता नहीं कि हम कोई प्रोफेशनल चीज़ कर रहे हैं मेरे ऐसे बड़े ही भले हैं माना थोड़े मन चले हैं हैं। पर आपके सिवा भी न ऐसा लगता है कि हम एक घर के फंक्शन में जा रहे हैं हर रोज़ और यू नो बहुत हंसी मजाक के साथ काम होता है और मतलब जब सूरज जी ने मुझे सुनाई थी हम आपके हैं कौन तभी मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई थी उन सारे किरदारों के साथ और जब भाभी गुजर जाती हैं तो मैं वहाँ पर हम सब दिलीप जोशी अजीत वाछानी जी और आई थिंक रीमा जी थी नहीं रीमा जी नहीं थी मैं थी और और कोई राजी के लोग थे तो हम सब रो रहे थे डॉक्टर कुछ करो के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस किरदार के लिए बुला रहे हैं तो फिर उन्होंने जब कहा भाभी के किरदार में हम आपको मतलब कास्ट करना चाहते हैं हालांकि हम आपका स्क्रीन टेस्ट लेंगे ऑडिशन लेंगे उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे तो ये थी हमारी शुरुआत मतलब पहले तो उन्होंने मुझे जब फोन किया तो राजश्री का इतिहास मैंने इतनी सारी फिल्में राजश्री की देखी थी बिल्कुल फैमिली एंटरटेनर्स तो बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी को सूट करने वाली थी बिकॉज उसके पहले तो टेलीविज़न वगैरह में काम कर किया था और ऐसे ही मतलब जो लोग मैं जिनको जानती थी उनके साथ मैंने काम किया था फिल्मों में सो बिग बैड वर्ल्ड ऑफ फिल्म ऐसा एक होता है ना एक तो वो आ, मैंने कहा कि राजश्री के लिए तो मतलब आंख बंद करके मैं मेरा पूरा परिवार mm -hmm. आ, हाँ ही कह देते सो दैट्स दैट्स हाउ बट इट वाज बस फैब्युलस मतलब मैं क्या बताऊँ उसके mm -hmm. बाद आज तक हमारा रिश्ता वैसा mm -hmm. ही है और आज भी मैं सोचती हूँ कि फिल्म में अगर मेरा कोई मायका है तो वो राजश्री है। प्रेम काका जी के साथ साथ हम सब ने एक सपना दिखा है कि तुम दुनिया में खूब तरक्की करो खूब नाम कमाओ इसी सपने को साकार करने तो जा रहे हैं तुम्हारे भैया और रही मेरी बात तो जब तुम यहां हो क्या मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत है तेवर से बढ़कर क्या कोई दोस्त होता है भाभी के लिए आपकी कास्टिंग की बात करें तो किस तरह से उन दिनों आपकी कास्टिंग की गई वो एक बहुत ही आ, आ, फनी वाक्य है Uh, चूँकि uh, सूरज जी को मालूम नहीं था कि रेणुका का ने नाम की कोई एक्ट्रेस है उन्होंने मेरा काम नहीं देखा था हालांकि तब तक uh, मेरी सुरभि नाम की जो सीरियल थी वो बहुत काफ़ी लोकप्रिय हुई थी और uh, uh, सर्कस भी रिलीज़ हुई थी सर्कस में मैंने मारिया का किरदार किया था तो सूरज जी को एक ही दिन में तीन लोगों ने मेरा नाम सजेस्ट किया तो एक थे बिजॉन दास गुप्ता जो हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं uh, हम आपके हैं कौन के दूसरे थे जयंती दादाजी जो हमारे मैन थे और तीसरे थे गु, पीके पीके गुप्ता जी जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर आज राज भी राजश्री में प्रोडक्शन देखते हैं तो तीनों ने सूरज जी को कहा कि आपको रेणुका शाह को देख लेना चाहिए मतलब ऑडिशन लेनी चाहिए तो उन्होंने पूछा ये हैं कौन रेणुका शाह तो उन्होंने फिर सुरभ देखा हालांकि राजबाबू जी ने देखा था मुझे सुरभि में उनको बहुत पसंद थी मैं और सुरभि में मैं हिंदी में बात करती थी वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मैं मराठी हूँ तो आ, कोई लहजा नहीं आना चाहिए मराठी का ऐसा वो बहुत चाहते थे सो so एनी anyway, तो एक दिन में तीन लोगों ने जब बोला तो सूरज जी ने फिर कहा कि कांटेक्ट कर लिया जाए तो मुझे बुलाया गया ऑफिस में तो सबसे पहले तो मुझे बाबू जी के ऑफ़िस में ले जाया गया राज बाबू जी के ऑफिस में बहुत बड़ा ऐसे लकड़े का एक मेज़ है जिसके उस तरफ राज बाबू जी बैठे थे हालांकि वो इतने सम्मान से उन्होंने मेरा स्वागत किया मैं आई वॉज ओवरवेड क्योंकि इतने बड़े प्रोड्यूसर और इतने मतलब इतने अच्छे सहज होंगे ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो फिर मुझे बिठाया गया फिर पूछा कि क्या क्या, क्या किया है तुमने तो पढ़ाई कहाँ तक की है वगैरह और फिर उन्होंने कहा कि वो ड्रॉर खोलो तुम्हारे सामने वाला जो है उसमें एक नोवेल है तो वो नोवेल में कोई भी पन्ना खोल के तुम पढ़ पढ़ लो क्या कैसे पढ़ कैसे पढ़ती हो वो मैं देखना चाहता हूँ तो मैंने कहा ठीक है तो मैंने नोवेल बहुत पुराना नोवेल लग रहा था मुझे कोई एक पन्ना मैंने खोला और मैंने कर दिया वो पढ़ लिया तो उन्होंने कहा वाह तुम बहुत अच्छा पढ़ लेती हो हिंदी और फिर उन्होंने कहा कि ये जो नावल है ये हर राजसी के हिरोइन ने इसमें से पढ़ा हुआ है मुझे एकदम लगा कि मैं एक इतिहास का हिस्सा हूँ लिटरली मतलब मेरे हाथ पे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि ये बहुत बहुत मतलब बड़ी चीज़ है मेरे लिए फिर वो हो चुका फिर नरेशन हुआ सूरज जी ने नरेशन दिया और मैं मतलब भूली नहीं समाई कि मुझे भाभी के रोल के लिए उन्होंने पूछा था फिर तीन ऑडिशन्स हुए एक में बिना मेकअप uh, और क्लोथ्स uh, के सिर्फ एक डायलॉग्स के लिए था uh, वो जो सीन है ना जिसमें uh, प्रेम और uh, भाभी जाते हैं माई के और रास्ते में वो कहते हैं कि भाई काका जी ने आपकी बागडोर मेरे हाथ में दे दी है तो वो वाला सीन उन्होंने मुझसे कराया चलिए अब थोड़ी सीरियस बात हो जाए <coughs> काका जी ने आपकी बागडोर अब हमारे हाथ में दे दी है ये बताइए जनाब लव मैरिज पसंद करेंगे या अरेंज्ड मैरिज भाभी भाभी लव मैरिज जो आपको करानी है क्या आ, और फिर कपड़े सिलवाए उसके साथ कपड़ों के साथ मेकअप के साथ ऐसे तीन ऑडिशंस के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब आप अनाउंस कर सकती हैं कि आप हम आपके कौन का हिस्सा है <laughs> वैसे मेरा चयन हो गया <laughs> आपने एक इवेंट पर कहा था कि राजश्री फिल्में नहीं फैमिली बनाती है और अब जो आपकी फैमिली है वो डायमंड जुबली बना रही है <laughs> आपकी कुछ यादें पुरानी जो आप शेयर करना चाहें राजश्री के साथ मेरी यादें तो तब से हैं जब एक्चुअली मैं जुड़ी नहीं थी उनसे okay. क्योंकि एक प्रेक्षक के तौर पर मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं उनका म्यूजिक तो इतना लाजवाब मतलब एक ऐसा गाना नहीं है जो सुपरहिट नहीं है भाभी तेरी बहना को माना। तो भाभी तेरी बहना को माना का है जमाना राम कुड़ियों का है जमाना राम का है जमान। दूसरी बात ये कि दोस्ती से लेकर मैंने उनकी फिल्में देखी हैं इनफैक्ट दुल्हन वही जो पियामन भाई मैंने बारह बार देखी तो मैं बहुत लॉयल ऑडियंस हूँ राजश्रीज की और फिर जब मुझे काम करने का मौका मिला और जिस तरह का उनका रवैया था हमारे सबके साथ तो वो एक जुड़ जाना जो है ना वो मैंने किसी और प्रोडक्शन हाउस से मेरा ऐसा जुड़ाव नहीं है जैसा मेरा राजश्री के साथ है तो ऑब्वियसली कि आ, उन्होंने ना सिर्फ वो हम आप कह कौन वाला परिवार बनाया पर मुझे लगता है कि उस फिल्म के ज़रिए उन्होंने कई ऐसे परिवार बनाए हैं जॉइंट uh, फैमिली एक जो सिस्टम चला गया था फिर लोग कहने लगे कि भाई हमको जॉइंट फैमिली में रहना है हमको इस तरह का सब कुछ चाहिए आजकल अगर आप शादियाँ भी देखें तो वही उसी पैटर्न पे आज भी चलती हैं हालाँकि मतलब मराठी शादियाँ बड़ी सिंपल सी होती हैं, लेकिन आई थिंक हम आप कहें कौन के बाद सारी शादियों में वो सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने हमारी फिल्मों में दिखाया सो आई थिंक कि उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीली लाई है हमारे समाज में भी और परिवारों में भी और इसलिए मैं कहती हूँ कि जैसे राणा जी भी हैं अब उनको भी वो उसी तरह से कि जैसे कि दामाद हैं वैसा वाला बिहेवियर रहता है उनके साथ सो आई थिंक इसलिए मैंने कहा कि परिवार बनाते हैं <laughs> हम आपके कौन एक ट्रेंड सेटर थी उन दिनों में जब रिलीज हुई थी नाइनटीन में तो आप क्या चीज़ें क्या यादें हैं किस तरह से ट्रेंड सेट किया था आपके है कौन ने? एक तो सबसे पहले तो सिर्फ एक ही थियेटर में उसका रिलीज हुआ था सिर्फ लिबर्टी में अच्छा एक पूरा हफ्ता सिर्फ एक ही थिएटर में वो रिलीज की गई लिबर्टी अच्छा। को इस तरह से सजाया था जैसे कि कोई शादी का फंक्शन अच्छा। हो मतलब रेड कार्पेट जो भी ऑडियंस आ रही थी उनका स्वागत मुखवास के साथ या इत्र डाल के या फ्लावर्स दे के वैसे हो रहा था तो उनको एक्चुअली लगा कि हम किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं और आ, एक ऐसी फ़िल्म की जो उस दौर में चूँकि एक्शन फ़िल्में बहुत ज़्यादा बन रही थी यू नो you know, एक आ, जो मोर टुवर्ड्स जो मेल ऑडियंस हैं उनके लिए बन रही थी तो ये जो फिल्म थी वो बहुत अरसे बाद पूरे परिवार के लिए बनी थी मतलब ख़ास तौर से मैं आपको बता रही हूँ कि हम आपके कौन के रिलीज़ के बाद मुझे अनगिनत ऐसे आए हैं कि जहाँ पर उन्होंने कहा है कि आ, मेरे बच्चे की भी पहली फिल्म है और मेरे नानी नाना की भी पहली फिल्म तो इतना रेंज ऑडियंस का था उस समय और परिवार बार बार लगातार देख रहे थे क्रिटिक्स ने उस फिल्म को कोई नंबर नहीं दिए थे उन्होंने कहा था कि ये भाई चौदह गानों की मैरिज वीडियो है यू you नो know? उस तरह से उसको देखा गया था लेकिन जिस तरह से उसको आ, मतलब रिसीव किया एज ऑडियंस और वो सर सराखों पर उन्होंने रखा और फिर वो चलती गई चलती गई चलती गई और ये मतलब ये जो एक मार्केटिंग का तरीका था कि ऑडियंस को ही आप फैमिली मेंबर बनाओ वो राजश्री ने शुरू किया विलेन भी उस समय पिक्चर में कोई विलेन भी नहीं था कोई नहीं कोई एक तप्पड़ तो भाई साहब मैं कहती हूँ शर्त रखी है उसमें हर क्या है? अरे एक बच्चे को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा बना रखा है अरे बच्चों का क्या राजेश बेटा बच्चे तो फल जाते हैं जी। <laughs> और मैं आपको बता रही हूँ कि बिंदु जी को जो थप्पड़ अजीत तो छानी जी देते हैं तो उस दिन सूरज जी का चेहरा देखने लायक था बिकॉज उनको इतना मतलब वो मायूसी थे वो बार बार जाके बिंदु जी से कह रहे थे कि बहुत सॉरी बहुत सॉरी मैम आपको अभी चाटा पड़ने वाला है, बहुत सॉरी सिर्फ बिंदु जी को नहीं मुझे जब गिरना था उन सीढ़ियों से उस दिन मुझे भी कि मैं बहुत सॉरी हूँ मैं बहुत मेरे कहा था सॉरी क्यों कह रहे हैं ये फिल्म का हिस्सा है ये और कोई रियल नहीं आप करा रहे हो बल्कि आ, आपने हमें इतना कंफर्टेबल कर दिया मतलब लिटरली हमको एक स्पंज की सीढ़ी दी थी गिरने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हर्ट हो ना तो इसलिए उनके कोई विलन नहीं होते लाइक like, सर्कमस्टेंसेज ही विलन होते हैं उनके फिल्मों में तो ये ये बात थी तो वो बड़ा फनी था कि सूरज जी बहुत खुद की स्क्रिप्ट में जा जा के माफ़ी मांगते रहते कि कि आज आपको प्लीज़ वो सीढ़ियों से गिरना है सॉरी <laughs> वो दो एक्शन का था और फिल्म में हाँ, एक भी एक्शन सीन नहीं बिल्कुल भी नहीं था और uh, एक के बाद एक आ, मतलब जो सारे किरदार थे छोटे से छोटा किरदार उसकी अपनी एक जगह थी उसके कैरेक्टर को बाहर लाने के लिए एक कम से कम सीन था ही यू you नो know, अगर आप देखें तो आपको सारे कैरेक्टर्स याद रहेंगे उनके नाम सहित तो ऐसा बहुत रेयरली होता है किसी फिल्म में कि आपको छोटे किरदार भी याद रहते हैं और इनफैक्ट टफ़ी टफ़ी तो आज तक मुझे कल ही ट्विटर पे मुझे एक ये मिला कि सबसे प्यारा डॉगी अगर इंडस्ट्री में कोई होगा तो वो टफ़ी होगा तो ऐसे आज तक लोग याद करते हैं टफ़ी को भी तो इमेजिन करिए मतलब जैसे अपना मैंने प्यार किया मैं कबूतर <laughs> को यूज़ किया था लेकिन ये डॉगी तो बिल्कुल फैमिली मेम्बर था और उसको भी बहुत प्रेज किया गया था मुझे लगता है चाह रहा शायद इस मालूम है जूते कहाँ हैं कमाल गुड बाय टफी कमाल टफी प्रभु कमाल कर दिया अबे चल भैया जी ये देखो जूते शाबाश लल्लू <laughs> अब हम करते हैं फोटो बूथ सेशन कुछ तस्वीर है आ, पुरानी अच्छा। हम आपके है कौन की अच्छा आपको हर तस्वीर को देखना और आपको बताना है कि ये उस समय क्या क्या मेमोरीज है जुड़ी हुई है एक एक तस्वीर देख करके आपको बताना है इसके बारे में मेरी एक बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी oh. ये है कि रीमा जी जो हैं वो इतनी अपसेट थी इस सीन oh. के बाद क्योंकि इसमें मैं गुजर जाती हूँ हॉस्पिटल में और एक तो मुझे करते समय आई रियलाइज कि मरना कितना मुश्किल है आई एम सॉरी टू से दिस दिस माइट साउंड नॉट वेरी गुड लेकिन वो जो है ना कि सांस बंद करके सूरज जी चाहते थे कि बहुत ही जेंटल ऐसे मेरा चेहरा ना बहुत शांत दिखे कि एक सेटिस्फाइड लुक हो मेरे चेहरे पे तो उस समय और मैं अपने आँख बंद कर रही हूँ और वो आँख ऐसे ऐसे हो रही है ऐसे ऐसे हो रही है <laughs> सूरज जी बार बार मुझसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सांस ना कम मतलब ब्रीदिंग कम अगर आप करेंगे तो फिर तो सांस तो रोकी हुई थी <laughs> तो वो जो है वो अगर आप फिल्म में देखेंगे तो पूरी तरह से मेरी आँख बंद हुई है ये दिखाई नहीं पाए <laughs> क्योंकि मेरी आँखें फड़फड़ा रही थी लेकिन वो हो जाने के बाद रीमा ताई को बहुत मतलब इतना वो आ, उनको वो एक्सपीरियंस दिल छूने वाला था उनके लिए पूजा के जाने के बाद जब हमें उसकी कमी इतनी महसूस हो रही है तो जरा सोचो कि कभी कभी जो एक एक्टर होता है वो इतना इन्वॉल्व होता है एक माँ के तौर पे वो इन्वॉल्व हुई और उनका रोना रुक ही नहीं रहा था और उसके बाद में काफ़ी समय तक वो मतलब मेकअप रूम में जा के भी रो रही थी और हम पूरे समय रीमा जी और मैं मेकअप रूम शेयर करते थे तो मेरी उनकी बहुत बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हुई थी तो मैं फिर जाके मैंने उनको हक किया मैंने कहा सब अनरियल है ये तो हम सब जानते हैं लेकिन आप एंड देन शी सेटल डाउन एंड यू नो पर उनको काफ़ी वक्त लगा तो ये मैं मेमोरी हमेशा um, याद रखूँगी बिकॉज़ एक तो आजरी माता है नहीं अपने साथ तो मुझे वो सारी यादें आती हैं मैं बहुत मिस करती हूँ उनको अजीत जी को सारी मेमोरीज़ जब आती हैं तो इवन सूरज जी की मम्मी वो सेट पे आती थी उनकी ग्रेस देख के मुझे ऐसा लगा कि पूजा भाभी ऐसी होनी चाहिए यू नो you know? सच अ ग्रेसफुल ब्यूटिफुल मतलब वॉम्थ जो है ना कि वो सेट पे ही आती थी तो ऐसा लगता था कि एकदम सेट आ, उजाला हो गया सेट में वैसी वाली रोशनी थी उनकी तो आ, वो मेरी रोल मॉडल थी फॉर पूजा दूसरी तस्वीर मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ से बड़ी है दिल से दिल की मेरा रिलीफ वाला फोटो है मुझे लगता है बिकॉज़ डांस हो चुका था <laughs> क्योंकि मैं इतनी घबराई हुई थी डांस करने के लिए विथ माधुरी स्पेशली और फिर सलमान बट दोनों ने मुझे इतना मतलब इतना इंकरेज किया और इतना मज़े ले लेके मतलब नाच के हैं हमने hmm. लो चली मैं और वो सब हो गया और उसके बाद में फिर ये जस्ट गिरने से पहले वाला सीक्वेंस है तो उसमें वो बेबी हाँ टफ़ी भी है और और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सलमान माधुरी दोनों ही टफ़ी के साथ भी और बच्चे के साथ भी इक्वली कंफर्टेबल थे मतलब हर एक्टर के बस की बात नहीं होती वो कि आप बच्चे के साथ भी कंफर्टेबल हैं इतना छोटा बच्चा और टफ़ी के साथ भी और सलमान तो बिल्कुल मतलब उस, उन दोनों को ऐसे हैंडल करता था अब तो अपन को मालूम हाँ। है कि उनका बहुत शौक है मतलब ही जानवर बहुत अच्छे लगते हैं उनको और बेबीज भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन उस वक्त तो आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज ये नटराज स्टूडियो अच्छा, में किया था नटराज ये तीसरी तस्वीर आपकी और मोनिश जी है साथ में <laughs> ये वो सीक्वेंस uh, है दिखता ना दिखता ना वाला जिसमें प्रेगनेंसी की खबर पता चलती है और uh, अभी अभी मतलब हिमानी जी बता के गई हैं कि यू आर गोइंग टू बिकम अ फादर ऐसे तो इट्स अ वेरी क्यूट मोमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ और वो सूरज जी की ये अम, सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो एकदम सूक्ष्म जो क्षण होते हैं वो लाउड नहीं कराते पर जस्ट द हैप्पीनेस एंड प्योर जॉय एंड लव इज शोन विदाउट यू नो टचिंग अदर और डूइंग एनीथिंग लाइक दैट तो ये एक वो सीक्वेंस है जिसमें कितना प्यारा सीक्वेंस है ये ये तस्वीर मोनिश जी है आप है और रीमा रीमा जी जी जी। बनाई कोई एंगेजमेंट के वक्त की है अच्छा। इसमें वो अंगूठी बड़ी थी मेरे लिए एक्चुअली <laughs> 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 वैसे हाथ से पकड़ के रखना पड़ता था फिर उन्होंने धागा हाँ पीछे धागा बांधा और फिर <laughs> फिट आ गई लेकिन वो गाना बड़ा सुंदर था ये महबूब स्टूडियो की बात है हाँ महबूब स्टूडियो में पूरा राम टेम्पल का सेट लगा था अच्छा, और वो पूरा आश्रम अच्छा, उसके अच्छा, इर्द गिर्द जहाँ पर वो हमको मिलने आते हैं और वो सारे सीक्वेंसेस उधर के हैं और फिल्म देखने के बाद लोगों को लोग पूछते थे हमसे कि ये लोकेशन कहाँ है यूपी में है क्या कि मध्य प्रदेश में है कहाँ है और हम कहते थे कि नहीं वो आर्ट डायरेक्शन का आ, ये कमाल है कि महबूब स्टूडियो में उन्होंने ये मंदिर बनाया था ये आप और सलमान साथ में गाड़ी में ये ऑडिशन <laughs> मैंने दिया <laughs> अच्छा। <laughs> देखा मुन्ना आपके चाचा आपके पापा से दो कदम आगे निकले चुपके चुपके आपके लिए चाची भी ढूंढ ली चाची मुन्ने को भी पसंद है मुन्ने ने फोटो देख रखी है क्यों मुन्ना हाँ बोल बेटा फोटो हमें भी दिखाई है ना फोटो क्या भाभी आपको तो शकल दिखा देते हैं तो क्या आपकी प्यार की मंजिल रास्ते में है रास्ते में भाभी yeah! ये मेरा पहला दिन था सलमान से भी मैं पह पहली बार मिली थी हमने शूटिंग शुरू की थी हम आपके हैं कौन की 1992 में अक्टूबर में मतलब मैंने आउटडोर मेरा पहला आउटडोर था ऊटी में तो ये ऊटी में आ, शूट किया हुआ है और उसमें वो जीप है प्रेम की जीप जिसमें मुझे बिठाया गया और आ, और एड़ा मेढ़ा उसको चलाना था और स्लोप वोप था और उस पर से भी वो चलाना था और वो मुझसे बार बार कह रहा था कि मैं तो एक्सीडेंट भी करवा सकता हूँ <laughs> और मैंने कहा कि हाँ ठीक है अगर कर लोगे तो ये बहुत खूबसूरत जगह है एक्सीडेंट होने के लिए भी <laughs> <laughs> तो ये वो है बहुत memories. Yeah. ये वाली तस्वीर तो के बारे में क्या कहेंगे अनुपम जी है मोनिश है ये तो बहुत मतलब जो ने जो पाया, सजने ले चली। किसी ने ऐसा किया नहीं होगा कि एक ऐसा माहौल किसी फिल्म में क्रिएट किया हो कि जहाँ पर हंसी मजाक चल रही है मतलब जोर शोर से इतना जूते लो पैसे लो वाला जो गाना है उसमें इतना मतलब फास्ट पेस्ट डांस भी है ऊर्जा है जूते। अचानक वो मूड बदल जाता है और विदाई का गाना शुरू हो जाता है तो आ, उसमें और कोई गैप भी नहीं है जस्ट वो आती हैं वो जूते रखती हैं और वो विदाई का गाना शुरू होता है और मूड एकदम अचानक मतलब सिर्फ फिल्म में नहीं हमारे सेट पे भी एकदम अचानक बदल गया क्योंकि हर किसी के घर पे ये एक्सपीरियंस होता है शायद बहन के साथ शायद किसी सहेली के साथ शायद अपनी ही घर में यू नो बुआओं के साथ या कि जब विदाई होती है तो वो सभी लोग इतने गमगीन वातावरण हो गया था और जो मेरे ख़्याल से कुछ 100 के करीब लोग मतलब बाकी के जूनियर आर्टिस्ट वगैरह थे सेट पे उनको बताया गया था कि ऐसे ऐसे विदाई का सीक्वेंस है उसमें थोड़ा सा इमोशनल होना है लेकिन इतना इमोशनल हुए कि हर बार जब टेक होता था तो आपको सिर्फ रुमाल ही रुमाल दिखते थे कि वो अपने आंसू पहुंच रहे हैं और ऐसा होता नहीं है आमतौर पे आंसू लिए जाते हैं लेकिन इसमें सबके एकदम नेचुरल विदाउट ग्लिसरीन वाले जो आंसू थे वो सिर्फ हमारे ही नहीं लेकिन जो हमारे पीछे भी इतने सारे क्राउड था उनका भी यही एक्सपीरियंस रहा तो ये बहुत स्पेशल है और शारदा सिन्हा जी ने बहुत खूबसूरती से गाया है ये गीत और इसके लिए मुझे सूरज जी ने सुचित्रा सेन का

तू मुझे भौजी कहता है ना कहता है ना हाँ। तो ये ले रख ले भौजी हमें हाँ डर लग रहा है गाँव में अगर उन्हें कुछ हो गया तो उन्हें कुछ नहीं होगा आ मेरे लक्ष्मीकांत और मैंने एक साथ पहले भी काम किया था हम आप कहें कौन के पहले अच्छा। जिसमें मैं उनकी हीरोइन थी और तब भी वो मुझसे यही कहते थे कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और तुम देखो मेरी हीरोइन बनी हुई हो इस फिल्म में बड़ी अड़चन हो रही है मतलब ये इमेजिन करने के लिए और उसके बाद हमने हम आपके हैं कौन जब की तो हमारा रिश्ता ऑलरेडी एक मतलब वो छोटी बहन की तरह ही मुझे समझते थे और उनका बहुत बड़ा हाथ था मुझे कंफर्टेबल करने में भी क्योंकि मैं तो नहीं, नहीं थी उस हिसाब से बाकी सब बहुत बड़े स्टार्स और बहुत इस्टेब्लिश स्टार्स थे तो कंफर्टेबल एक कंफर्ट लेवल चाहे जो भी हो थोड़ा सा झिझक होती है लोगों से मिलना मिलाना तो ये हमेशा मुझे इंक्लूड करते थे और फिर बाद में माधुरी की मम्मी और माधुरी ऑफ़ कोर्स उनके साथ भी मेरी ट्यूनिंग इतनी अच्छी जमी ये फिर एकदम कंफर्ट और प्रिया भी थी तो हम सब मराठी मराठी इनफैक्ट <laughs> लक्ष्मीकांत हमेशा कहता था कि सूरज जी को कि एक साइड में आप मराठी फिल्म ही दो तो हम सब कलाकार हैं <laughs> हम आपके है कौन के शूटिंग के दौरान ही हम मराठी फिल्म बना सकते हैं सो so, ये बड़ा स्पेशल सीक्वेंस है क्योंकि इमोशनल सीक्वेंस है और हम आपके हैं कौन में बाकी सब जगह में आप भाभी को हंसते हंसाते ऐसे ही देखते हैं और अचानक यहाँ पर उनका स्ट्रेंथ दिखता है कि जहाँ पर वो उसको कहती है कि आई एम बिहाइंड यू और कुछ नहीं होगा आपकी भाभी को और कोई छोटा बड़ा नहीं होता यू uh, नो you know, hmm. जो मामी कहती है कि वो छोटा छोटे लोग हैं तो मैं समझाती हूँ कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता सो आई रियली लव दिस सीक्वेंस उसमें एक तो डायलॉग्स uh, थे ज़रा ज़्यादा थे तो कुछ करने के लिए ऐसा लगता था कि uh, किया एक सीन आज ब्यूटिफुल मेमोरीज रियली ये फोटो के बारे में आप क्या कहेंगे उफ मेरी <laughs> क्रिकेट <laughs> भाभी औरे! और ये डाल दिया है बॉल और ये बॉल आसमान में और ये बाउंड्री के पार जाने के लिए और और ये ये क्या हुआ हजर हजरत मतलब मेरे एक्चुअली रियल लाइफ में hmm. एक छोटा सगा भाई है और मेरे दो कजिन्स हैं जो मुझसे बड़े हैं तो मैं हमेशा फील्डर के तौर पे मैंने काफ़ी गली क्रिकेट खेला है बचपन में लेकिन ऐसा कोई मेरा लगाव नहीं है क्रिकेट इस गेम से और फिर पता चला मुझे बैट बैटिंग और बॉलिंग दोनों करनी है बैटिंग तो फिर भी ठीक थी बॉलिंग ओवर आम और वो भी उनको क्लीन बोल्ड हाँ अच्छा। नहीं वो तो डिफिकल्ट था पर लकीली वो

पर वो सीक्वेंस बड़ा मजेदार था बिकॉज उसके बाद में भी वो जो होता है ना कि आ, वो कहती है कि ग्लव्स uh, प्लीज वो वाला जो था वो बहुत फनी था वो जी का एक्सप्रेशन वेरी फनी बैट प्लीज ग्लव्स प्लीज चलाएं, प्लीज बॉल प्लीज या, मजा आया ये गेम खेलने में और पूरा दिन वही चल रहा था क्रिकेट ही चल रहा था उस लॉन पे ऊटी का गेस्ट हाउस है वहां पर तो वहां पर हमने शूट किया था ये और बच्चे बच्चे थे छोटे स्कूल के इट ग्रेट फन और था नो बॉल रेणुका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए लवली मेमोरीज आपने शेयर yes. की हमारे साथ में थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू इट वाज अ प्लेजर टू माय प्लेजर एंड माय प्लेजर बीइंग पार्ट ऑफ द दी फैमिली